और ये है हमारे गांव की हरियाली आजकल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम एकदम मस्त हैं। और आज का मौसम पूरा बारिश लगा हुआ है गांव में रात से। आज के मौसम में कुछ ऐसा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आज पहाड़ों में, क्योंकि कहाँ पहाड़ है कहाँ दूसरे गाँव हैं। ये पूरी देखो पूरा कोहरा लगा हुआ, ऊपर तक पूरा कोहरा लगा हुआ है। और आज तो रात से लाइट भी नहीं है। गांव के एक यही प्रॉब्लम होती है कि थोड़ी बारिश आई नहीं, लाइट उसके बाद आएगी नहीं एक दिन तक पूरे। यहाँ पे बन रहा है हमारा सूजी, और यहाँ मम्मी सूजी बना रही है, क्योंकि अब बारिश का मौसम है तो इसमें आज सूजी खाने का मन कर रहा था। सूजी बना रहे हैं आग के चूल्हे में। अरे देखो, ये हमारे ऐसे होते पहाड़ों के घर पत्थरों वाले, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें ठंडियों में गर्म रहता है घर और गर्मियों में ठंड रहता है ये वाला घर, तो इसलिए ज़्यादातर लोग पहाड़ में ऐसे घर बनाते हैं। और आज तो पूरा मौसम का मिजाज को अलग ही बना हुआ है। देखो आप पहाड़ों के जो हाल हैं आज। तो फिर अभी नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। ये हमारे गांव का व्यू है। बन गई सूजी? बस एकदम तैयार। तैयार है? तैयार है। सूजी खाओ, सो जाओ, क्या है। अच्छा, बारिश लगी है। देखो बन गया गुड़ पापड़ी, बन गया गुड़ पापड़ी। ये कि सूजी बनेगी कि गुड़ पापड़ी बन रही है? देखो पता चलेगा। आज बारिश का मौसम है, पकौड़ी बनाओ, सूजी बनाओ। ये सूजी तैयार है बिल्कुल। आप सही है, आप ठीक है। तो फिर आज सूजी खाते हैं बारिश के मौसम में। बारिश तो बंद होगी नहीं। दिखा दिया सूजी ने अपना रंग। आग हो रही है? हाँ। अच्छा, तावे में आ गया यार। वो आया हुआ क्या, कुछ खास काम हुआ? अच्छा, तो बेटा तुम्हें चाय बढ़ो फिर। मैं गोटे पहन चाहिए तब बाहर नहीं खाए अभी, बाहर बढ़ानी चाहिए खानी अभी। तब या घूम फिर, हाँ घूम फिर के। अच्छा, हाँ मैंने वीडियो बनो आज सबके बनो तुम्हें क्या है। और ये है हमारे गांव की हरियाली आजकल। सरसों के इसमें गांव में वो बोलते हैं, घरिया बोलते हैं इसको गांव में। हमारे खेत यहाँ पर सरसों के खेत हैं, और अभी शाम का टाइम है, थोड़ा धूप लगी हुई है। तो अभी जा रहे हैं हम घूमने के लिए, मैं और मेरा दोस्त जा रहे घूमने के लिए। वो ऊपर पहुंच गया मेरा दोस्त, ऊपर पे वहाँ पे मारो पीछे से अभी। और जो ये मेरा दोस्त है ना, इसके बस हमेशा उल्टे उल्टे काम ही रहते हैं। एक तो सो घर में चैन है नहीं, और ऊपर से जहाँ भी जाएगा बस पत्थर फेंकेगा, कभी बंदर पे, कभी चिड़ियों पे, कभी आदमी पे मारते हैं पत्थर से। पता नहीं कैसा आदमी है ये। अभी जा रहे हैं यहाँ से घूमने के लिए साइड को, और सामने वाला दिख रहा है वो गांव, वो हमारा ही गांव है, पर हमारे गांव का दूसरा वाला पार्ट है। इसको धारू, हमारे इस गांव का नाम धारू है, बट है हमारा गांव ही है। और जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर पारथा नाम से गांव है, वहां बर्फ़ पड़ी है आज। ये देखो बर्फ़ पड़ी उधर आज, सुबह से पड़ी तो अभी तक गल गई है। और ये हमारे गाँव का पुराना पंचायत भवन है, क्योंकि वो टूट गया था तो अब वहाँ पर नेपाली लोग रहते हैं।
देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं नेपाली, जाते जाके देखते हैं। यार ठंड का मौसम तो आज बकरी मारी हुई है, जाते वहाँ पे थोड़ा घूम के आते हैं। ये नेपाली लोग हैं, नहीं तक माने खुल रहा है, नहीं खुल रहा क्या बात कर, तीन कुंडा लगा इसको क्या बोले लाला जी तुम्हारा वहाँ इसको मैं काट रहा हूँ कचमोरी। और यहाँ पे नेपाली लोग अपने लिए खाना बना रहे हैं, आज बकरा हमारा हुआ तो मटन बना रहे हैं अपने लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है तो उन्होंने बकरा मारा हुआ था, तो सारे आज पार्टी कर रहे हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ घर के लिए घूमने के बाद, और ये हमारे घर के ऊपर ये पंचायत भवन है जो आजकल बना हुआ है, नया वाला पंचायत भवन। और अभी धूप मतलब अभी है, अभी धूप गई नहीं, तो मैं आ गया टाइम से घर के लिए घूमने के बाद। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।